हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है वीवो V15, वीवो 18, 19। इसमें पासवर्ड लॉक है, इसको हम मिरेकल पावर टूल से कैसे अनलॉक करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो CLK, दूसरा है टेस्ट पॉइंट, मतलब टेस्ट पॉइंट और मेटा मोड। तो हम इसको मेटा मोड में करेंगे। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। इस टूल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे डाउनलोड करना है आप कर लीजिएगा। और रीबूट टू मेटा पर क्लिक किया, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा और केबल को लगाया, तो आपका जो वो टू मोबाइल है वो मेटा मोड में चला जाएगा। ये देखिए, रीबूट टू मेटा मोड सक्सेस। मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था मैंने और वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा और केबल को लगाया, तो आपका जो है रीबूट मेटा पे क्लिक कर दिया था, तो मेटा मोड में चला गया। अब इसमें जो है मिरेकल पावर टूल में हम इसमें आ गए MTK में, और यहाँ पे सर्च कर लेंगे वीवो, और वीवो और ये हमारा V15 है, तो यहाँ पे वीवो V15 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे S1 है, यहाँ पे ये है वीवो V15 PD1831, और फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक कर देंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी सी, मतलब कुछ ही सेकंड में आपकी प्रोसेस चलेगी, और आपका ये है, ये देखिए वीवो 18-19 फैक्ट्री रीसेट सक्सेस। तो आपका जो है फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। और ये जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट नहीं है। अगर लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट होता तो फिर CLK जंपर से होता, और उसकी इमेज भी मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा कि CLK जंपर कहाँ करना रहता है इसका। तो ये सिंगल क्लिक से हमारा हो गया, और इसमें डेड रिस्क नहीं रहता है। CLK अगर आप करते हैं तो CLK अगर ओपन हो जाता है तो आपका मोबाइल डेड होने का रिस्क रहता है, इसमें डेड होने का रिस्क नहीं है। और ये सेफ मेथड है, अगर आपका लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट होगा तो ये मेटा मोड में जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से मैं ट्राई करता हूँ, तो जिससे मुझे ये भी मालूम चल जाता है कि ये मेटा मोड में गया अगर तो ठीक है, नहीं गया तो फिर CLK से ही होगा। तो इस तरीके से ये जो है आप MTK CPU वीवो को अनलॉक कर पाएंगे। तो हमारा जो है अनलॉक हो चुका है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता है, क्योंकि रीसेट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है चालू होने में। अब ये देखिए चालू होने वाला है मोबाइल। मैंने वीडियो को 8x फॉरवर्ड कर दिया था और मोबाइल चालू हो गया। अगर इसमें FRP भी रहता है तो FRP भी आप बड़े ही आसानी से बाईपास कर सकते हैं। मोबाइल को पहले पूरा चालू होने दीजिएगा, बिना सिम डाले हुए, बिना वाईफाई के। जब पासवर्ड का ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पर पासवर्ड लगा दीजिएगा। जैसे ये मेरा मोबाइल चालू हो गया, इसमें जब अगर FRP लॉक भी है तो आप पहले इसको मोबाइल चालू होते टाइम जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके, तो इसमें पासवर्ड का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पे जो है पासवर्ड लगा दीजिएगा पैटर्न, और जो भी पैटर्न लगाइएगा फिर लास्ट में जब आएगा सेटअप साइन इन, उसके बाद आप दोबारा से शुरुआत हो जाएगी, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और वाईफाई कनेक्ट करके सेम पासवर्ड डालेंगे, तो आपका जो है FRP भी हट जाएगा। ये ओल्ड सिक्योरिटी पे काम करता है, कई MTK CPU में तो वर्क कर जाता है, जब नहीं करता है तो फिर आप MTP मोड पे, मिरेकल पावर टूल में ही है MTP मोड, जैसे सैमसंग का FRP बाईपास करते हैं वैसे MTP मोड पे आप FRP बाईपास कर सकते हैं। क्रोम में जाएंगे, वहाँ पे फिर एड्रोम सर्च करेंगे और वहाँ पे आप पैटर्न लगा दीजिए, या फिर गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड करके FRP बाईपास APK से वहाँ से आप बाईपास कर सकते हैं। तो FRP बाईपास के लिए इतनी बड़ी झंझट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। आप किसी भी सर्च कर लीजिएगा V15 और FRP बाईपास, तो आप बड़े ही आसानी से इसका FRP बाईपास कर पाएंगे। तो मेरा इस वीडियो में आपको बताने का मतलब यही था कि अगर आपके पास मोबाइल आता है तो उसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट होगा तो मेटा मोड में जाएगा नहीं। अगर मेटा मोड में चला गया तो आप फिर UMT से भी कर सकते हैं, मिरेकल पावर टूल से भी कर सकते हैं। वो मेटा मोड में सेफ एंड सिक्योर रहता है, क्योंकि इसमें डेड होने का रिस्क नहीं रहता। अगर CLK से अगर मेटा मोड में नहीं जाता और आप CLK जंपर करके करते हैं तो उसमें डेड होने का रिस्क रहता है, क्योंकि अगर आपने जंपर करते टाइम इसको ओपन कर दिया, जब CLK का पॉइंट ओपन हो गया तो फिर आपका डेड हो जाएगा। फिर से वो CLK का जो पॉइंट है रेजिस्टेंस, उसको हमें शॉर्ट करना रहता है, और शॉर्ट करेंगे आप तो फिर से दोबारा मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। तो बस यही है इसमें। और ये देखिए, इसमें पासवर्ड मैं लगा दे रहा हूँ, ताकि जो अगर FRP हो तो FRP जो है मैं बस उसको बाईपास कर पाऊँ। और ये ओल्ड सिक्योरिटी अपडेट है, 1/6/2021 का अपडेट डला था इसमें, इसलिए ये मेटा मोड में हो गया। लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आया नहीं मेरे पास, अगर आएगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपकी कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई टूल भी परचेज़ करना है, UMT मिरेकल पावर टूल, अनलॉक टूल, UFI इजी टेक, तो भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ये जो है इसमें कॉम्बो भी लगा था, तो इस कारण से मैंने माउस लगा के देखा अगर माउस में हो जाए, क्योंकि टच जो है स्लो रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि अपडेटेड भी नहीं तो अपडेट करना रहेगा इसको।
तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।